चारु असोपा ने अपने डिवोर्स लेने के फैसले पर की बातें अपने नए व्लॉग में बताया डिवोर्स लेने की सही वजह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और हम आपके लिए लेकर आए हैं चारु असोपा और राजीव सेन के रिश्ते से जुड़ी एक और खास खबर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा ने हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की शादी में पिछले 3 सालों से अनबन चल रही है। कभी दोनों के झगड़े की खबरें सामने आई तो कभी बेटी जियानो की वजह से दोनों करीब भी आ गए, लेकिन अब चारु असोपा ने फाइनली पति राजीव सेन को डिवोर्स देने का फैसला ले लिया है। यही नहीं, इनफैक्ट उन्होंने अपने नए व्लॉग में अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो जल्द ही डिवोर्स लेने जा रही हैं। आपको बता दें कि ये दोनों लीगली अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और खबरों की माने तो चारु असोपा डिवोर्स भी फाइल कर चुकी हैं और इसी बारे में उन्होंने अपने इस नए व्लॉग में बातें की हैं। दोस्तों, चारु असोपा हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से मुंबई का मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो सोचा कहीं फैमिली के साथ घूमा जाए, तो इसलिए वो मॉल गई, उन्होंने शॉपिंग की। इस वीडियो में उनकी बेटी जियाना भी उनके साथ नजर आ रही है। दोस्तों, चारु असोपा ने इस व्लॉग में सभी को गुड न्यूज भी दी कि उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं 1 मिलियन और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है। उन्होंने सभी फैंस को थैंक यू बोलते हुए बिना नाम लिए अपने तलाक पर बातें की और अपने फैसले के बारे में बताया कि उनका फैसला क्यों ठीक है। चारु असोपा कहती हैं, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे, लेकिन कुछ लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला ले रही हूँ। दोस्तों, चारु इस व्लॉग में आगे कहती हैं कि वो ये फैसला अपनी बेटी जियाना के लिए ले रही हैं। वो कहती हैं, मैं बस ये कहूंगी कि मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में या इमोशनल होकर नहीं ले रही हूं, बहुत सोच समझकर और पूरे होशो हवास में मैं ये फैसला ले रही हूं। बहुत सोचने और समझने के बाद मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी जियाना के लिए। दोस्तों, ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चारु असोपा ने पहली बार खुलकर अपने डिवोर्स पर और अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते पर बातें की हैं। वो आगे कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी बात को समझ पाएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे जितना आपने मेरा हर फैसले में सपोर्ट किया है और मुझे प्यार दिया है। वो एंड में कहती हैं, जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छी बात होती है। दोस्तों, इस कोट के साथ वो अपने व्लॉग को खत्म करती हैं और साथ ही अपने रिश्ते पर एक काफी बड़ा बयान दे देती हैं। ये व्लॉग काफी तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि पहली बार चारु असोपा ने अपने रिश्ते पर इतनी खुलकर बात की है। आपको बता दें, ये दोनों जल्द ही डिवोर्स ले रहे हैं और खबरों की माने तो ये दोनों डिवोर्स फाइल कर चुके हैं। अपनी बेटी की वजह से चारु असोपा और राजीव सेन एक दूसरे से दूर हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देना चाहती हैं। एक खराब पेरेंट्स के साथ वो अपनी बेटी को बड़ा नहीं करना चाहती, शायद यही वजह हो सकती है उनके इस फैसले की। लेकिन आपको बता दें, 3 सालों से उनके रिश्ते में कुछ खास नहीं चल रहा, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लेना सही समझा है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।